बार फिर से बहुत स्वागत है आपका टीवी के इतिहास का पहला इकलौता ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन में। आज फिर से हम आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, कौन से ग्रह कहां बैठकर आपके लिए क्या कुछ देने वाले हैं, आपके जीवन में कितनी उथल फुथल होने वाली है, यह आज के इस ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन में आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष संतोषी। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो न्यूज। आज के एस्ट्रो न्यूज में हम आपको बताएंगे आपके ग्रह कैसे आपके साथ खेलने वाले हैं, किस ग्रह का प्रभाव आप पर कैसा पड़ेगा, आपके जीवन में वो कौन सा अक्षर है जो आज कमाल करने वाला है। जी हाँ, बात करेंगे आगे आज के लकी अक्षर की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की एस्ट्रो हेडलाइंस पर। राहु के प्रभाव में रहेंगे सूर्य, शनि की दृष्टि से सूर्य रहेंगे पीड़ित, कन्या राशि पर मंगल का पूरा रहेगा प्रभाव, गोचर नवमांश में चंद्र से बन रहा है ग्रहण दोष, बृहस्पति देव के उत्तराभाद्र नक्षत्र में आने से आएगा शनिदेव का अंश। अब हेडलाइंस विस्तार से। आज सूर्य पर राहु का पूर्ण प्रभाव रहेगा, राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य को प्रभावित करेगी जिससे प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, सबको आज थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना होगा। शनि की दृष्टि दशम दृष्टि सूर्य को पीड़ित करती है, दोनों पिता पुत्र होकर के भी आपस में शत्रु भाव रखते हैं। कन्या राशि पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने वाली है जिसका प्रभाव उनके एग्रेशन पर पड़ेगा। जी हाँ, कन्या राशि वालों को आज मंगल के कारण थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना होगा। गोचर नवमांश ये सबसे पैनी नजर है एस्ट्रो न्यूज की। गोचर नवमांश से चंद्रमा आज ग्रहण दोष बनाएगा और बृहस्पति देव के ऊपर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आ जाने से शनिदेव का अंश रहेगा, अर्थात आज शनि और बृहस्पति का एक तरह से गुप्त मिलन हो रहा है। आइए जानते हैं पंचांग टुडे। आज की तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि, इसे अमला नवमी कहते हैं। आज के दिन आरोग्य व्रत होता है, आंवले के नीचे बैठकर खाना बनाया और खाया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन आंवले के नीचे भोजन खाने से पूरे वर्ष हम स्वस्थ रहते हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 2:15 तक, इसके बाद चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा, योग रहेगा गंड और आज का राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक और गुलिक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम के लिए शास्त्र मना करते हैं, लेकिन गुलिक काल हर एक शुभ काम आरंभ करवाता है। एस्ट्रो न्यूज़ में अब वक्त हो चला है आज के राशि समाचार का। मेष राशि शिक्षा क्षेत्र में सफलता के पर्याय बनेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन उत्तम रहेगा, लेकिन आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों को मेहनत ज्यादा करना होगा। सरकारी क्षेत्र में शुभता आपको जरूर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन कुछ उठापटक दिखा रहा है। आज का दिन लव लाइफ के लिए नए रिश्ते की तरफ इशारे करता है। उपाय के तौर पर आज हल्दी का तिलक अपने कंठ पर कर लीजिएगा। आज का दिन लाल रंग की शुभता लिए है और 54% का भाग्य आपके साथ है। चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। आज शिक्षा क्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा परिश्रम करना पड़ेगा, कोई नई खबर आज मन को प्रसन्न कर जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, साझेदारी टिक जाएगी, प्राइवेट सेक्टर वालों को वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आज कोई मित्र मददगार साबित होगा, तो दाम्पत्य जीवन के लिए आज नए मकान का भी सहयोग बन रहा है। लव लाइफ आपके लिए विवाह के रास्ते खोलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन स्किन प्रॉब्लम और न्यूरो प्रॉब्लम की तरफ इशारे करता है। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। किसी जरूरतमंद को फल का दान करना है। चर्चा करेंगे आगे अब मिथुन राशि की। शिक्षा क्षेत्र में आपको आज मित्रों की बात माननी पड़ेगी। व्यापारिक लाभ के अवसर कम दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज का दिन मेहनत और यात्रा से लाभ देगा। वहीं सरकारी क्षेत्र में आज प्रमोशन की खुशखबरी है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो लव लाइफ में मेहनत ज्यादा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन घुटने की तकलीफ और कमर दर्द की शिकायत दिखाता है। उपाय के तौर पर आज का दिन बेहतर करना है तो 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। आज का दिन शुभ रंग काला लिया है और भाग्य प्रतिशत रहेगा 66।
बात करेंगे अब कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ अलग से परिश्रम करिएगा। व्यापार मित्रों की बात सुनने में ही भलाई है। प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ रुक रुक कर काम होगा। सरकारी क्षेत्र में वाहन सुख और मकान बदल सकते हैं। दांपत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। पत्नी की बात को मानने में ही भलाई है। लव लाइफ की स्थिति को आज स्मूथ किया जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन प्रॉब्लम और आंखों की तकलीफ दिखाई देती है। हल्का सा कच्चा दूध कंठ पे लगाना शुभ होगा। स्लेटी रंग की शुभता के साथ 59% का भाग्य है। सिंह राशि, पढ़ाई आज मन लगाकर करेंगे, दोस्तों की बात कम सुनिएगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में यात्रा करनी पड़ सकती है। आज डेस्क आपका बदला जाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार है। दांपत्य जीवन में आज थोड़ा सा शांत रहने में भलाई है। लव लाइफ की बात करें तो आज प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ नोक झोंक लेकिन प्यारा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों की तकलीफ और पेट की समस्या हो सकती है। आज प्रयोग के तौर पर उड़द का दान करिएगा। हरा रंग शुभ है। 61% का भाग्य आपके साथ है। बात कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो रहेगी, साथ ही साथ इंटरव्यूज में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के लिए रिस्क लिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ नोक झोंक हो सकता है। बॉस के साथ शांत रहिएगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए नए परचम लहराएगा। आज का दिन दांपत्य जीवन में सहने का कहा जा सकता है। बात समझने में भलाई है। लव लाइफ को लेकर के आज अगर संजीदा रहेंगे तो विवाह तक बात पहुंच सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम दिखाता है। प्रयोग के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य पुस्तक दे दीजिएगा। ग्रे कलर की शुभता रहेगी। आज 56% का भाग्य आपके साथ है। बात तुला राशि की, लेकिन रुक जाइएगा, आगे हम आपको आज के एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो न केवल आपका दिन संवारेगा बल्कि भाग्य को भी चमकदार बना देगा। पहले लेकिन तुला राशि। कोई पुराना अधूरा कार्य आज बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र से मदद मिलेगी। शिक्षा, व्यापार और नौकरी तीनों क्षेत्रों में आपका दबदबा रहेगा। आज का दिन दांपत्य जीवन में थोड़ा सहने का है तो लव लाइफ में आगे बढ़ने का है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, थोड़ा बहुत माइग्रेन भी परेशान करेगा। आज तुला राशि वालों के लिए प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकलेट दे सकते हैं और भाग्य आज 50% साथ देगा और शुभ रंग रहेगा आसमानी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शिक्षा क्षेत्र एकदम स्मूथ है। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, ऐसे ही चलिएगा, लेकिन व्यापार में थोड़ा सा आगे की सोचिएगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वाहन के लिए विचार कर सकते हैं। आज सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो कुछ बड़ों की बात सुनकर कदम बढ़ाइएगा। दांपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में स्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम दे रहा है और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको प्रयोग के तौर पर आज भगवान गणेश का ध्यान करना होगा। गुलाबी रंग शुभ है। 58% का भाग्य। धनुराशि। आज अपनों का साथ मिलेगा और पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार में लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। पुरानी समस्याओं का अंत होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सुधारा जा सकता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में आज पेशेंस रखना है। मैरिड लाइफ बम स्थिति में है। लव लाइफ को लेकर के सजग रहना है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप न करे। स्वास्थ्य के मामले में आज धनुराशि वालों को बिल्कुल बेहतरीन स्वस्थ नजर आएंगे आप। उपाय क्या करना चाहिए, आज किसी जरूरतमंद को मौसमी फल का दान करिएगा। केसरिया रंग शुभ रहेगा। 66% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि। कार्य को बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ना है, मतलब पढ़ाई शुरू किया तो अंत तक पढ़िएगा। व्यापार अच्छा चलेगा, रिस्क ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको आज आशातीत सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र वालों को थोड़ा सा सह करके चलना होगा। बॉस के साथ विवाद ना होने दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ बैलेंस है, संतुलित है, मतलब साथ साथ नहीं अलग अलग। आज का दिन शुभ करने के लिए मकर राशि वालों को उड़द का दान करना होगा। लाल रंग की शुभता में 54% का भाग्य आपके साथ है। चर्चा कुंभ राशि की। आज आपके लिए शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार में थोड़ा थम थम के चला करिएगा, जल्दीबाजी में फैसला घातक होगा। प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र दबदबा है आपका। काम बनेगा, जो सोचेंगे होगा। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। आज ससुराल से रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ सकती है।
सह लीजिएगा, लव लाइफ बेहतरीन स्थिति में है, आगे बढ़ जाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन प्रॉब्लम और घुटने की तकलीफ हो सकती है। कुंभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करना है। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 69। अंतिम राशि में शिक्षा के प्रति आपका उदासीन रवैया परेशान करेगा, गंभीर होइएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज सब अच्छा रहने से व्यापार अच्छा चलेगा। आज प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र वालों को वाहन सुख, मकान सुख बेहतरीन दिखाई देता है। अगर आपकी राशि मीन है तो आज वैवाहिक जीवन को शुभ करने का प्रयास करिएगा और लव लाइफ को वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट करने का प्रयास करिएगा, अर्थात विवाह की संभावना आज प्रबल दिखाई देती है। प्रयोग के तौर पर आज किसी फल के जूस से रस से अपने कंठ पर तिलक करिएगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 61 अर्थात 61। एस्ट्रो न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के एस्ट्रो लव टिप का, तो आइए बात करते हैं एक ऐसे टिप की, एक ऐसे छोटे से प्रयोग की जो देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जी हाँ, एक ऐसा प्रयोग जो प्रकृति की तमाम सकारात्मक शक्तियों को आपकी तरफ खींच लाता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रेम जीवन को रंगीन कर देती है, सुरम्य कर देती है। चर्चा आज के लव टिप की, कच्चे चावल के दाने सर से उल्टा वार कर इसी दौरान अपने पति पत्नी, अगर आप विवाहित हैं अथवा अविवाहित हैं, तो अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम 5 बार लेते हुए किसी पौधे के नीचे रख दें। तर्क देखिएगा, यह प्रयोग है, तर्क यह है कि चावल के साथ चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव कनेक्ट हो जाता है और जब हम नाम लेते हैं तो उस दौरान हमारी नासिका से जो श्वास चलती है उसके साथ सूर्य और चंद्रमा का अंश जुड़ जाता है और इसका असर तत्काल हमको दिखाई देता है। तो एस्ट्रो न्यूज में अब वक्त हो चला है जानने का आज के एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट को। एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रयोग है जहां पर आपको बताया जाता है कौन सा ऐसा वस्तु है, सामग्री है, जिसके द्वारा आज कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। दाहिने हाथ की छोटी उंगली से अपने सर के मध्य शिखा के स्थान को छूकर 5 बार ओम बोलना है। बेहद आसान सा प्रयोग, दाहिने हाथ की छोटी उंगली अर्थात लिटिल फिंगर, इससे अपने शिखा अर्थात चोटी का मध्य स्थान ये स्पर्श करना है और 5 बार ओम 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 5 बार बोलना है। देखिए, कहते कहते एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट हो ही गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे आज का दिव्य लकी अक्षर। मेष ज अक्षर वृषभ, पा मिथुन, वाक्षर कर्क भा, सिंह झ अक्षर कन्या, मा तुला, स अक्षर वृश्चिक, ला धनु, बाक्षर मकर, धा कुंभ, य अक्षर मीन, फा। छोटा सा अक्षर है लेकिन असर बड़ा दमदार है। इसे आप एक सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के कलम वाली इंक से लिखिए और अपने पास पर्स में, बड़े पर्स में भी लटका सकते हैं, कहीं पे भी रख लीजिए। इसका असर पूरे दिन आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा होगी, आप आगे बढ़ेंगे। और अब एक सरसरी नजर एस्ट्रो फटाफट पर, यानी फर्राटेदार स्पीड के साथ ज्योतिष पर आज की बेहद खास और अहम जानकारी। 3 नवंबर की रात 8:44 पर शुक्र विशाखा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश। आज अमला नवमी अर्थात आज अमला के पेड़ के नीचे भोजन करना शुभ होगा। वक्री गुरु कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य पर हमला। धनु राशि वालों को आज गुस्से से रहना होगा सावधान। तुला राशि वालों पर आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी। कर्क वालों के मन में जागेगा वैराग्य का भाव। मकर राशि वाले किसी भी काम को कल पर ना डालें। लॉ की पढ़ाई करने वालों को मार्च तक शनिदेव देंगे बड़ा फायदा। एस्ट्रो न्यूज में बारी आ गई है आज के गरम मुद्दे पर चर्चा करने की। आइए जानते हैं वो कौन सा मुद्दा है जो आज गरम है। तो मित्रों, आज शनिदेव पर चर्चा हम करेंगे जो अभी कुछ ही दिन पहले मार्गी हुए हैं। काफी पीछे लंबे समय से वक्री चलने वाले शनिदेव अपनी राशि मकर राशि में मार्गी हो चुके हैं। मार्गी शनि का प्रभाव निश्चित रूप से सब पर बेहद सकारात्मक रहेगा। जितने पुराने पेंडिंग पड़े काम थे गतिमान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सभी रुके कार्य चल पड़ेंगे। रुके धन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद के डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएंगे।
शनि की कृपा सहजता से मिल जाएगी। मुद्दा गर्म है क्योंकि शनि देव मकर राशि में मार्गी हो गए। आज चर्चा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी के नाम के अनुसार, चूंकि इस कार्यक्रम में मैं पुकार नाम से ही सारी जानकारियां देता हूं, इनकी ऑथेंटिक जानकारी डेट ऑफ बर्थ टाइम की संभवतः ना मिल पाए, लेकिन नाम तो निश्चित है और यहां पर सिर्फ सटीक विश्लेषण होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के पुकार नाम के अनुसार वृश्चिक राशि की पड़ती है। वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वर्तमान समय में मिथुन राशि में संचरण कर रहा है, लेकिन वक्री चल रहा है। ऐसे में वक्री ग्रहों का प्रभाव हमारे मन पटल पर तत्काल पड़ता है। हो सकता है कि मोदी जी को अथवा इनकी सरकार को कुछ गलत फैसलों के कारण नुकसान उठाना पड़े। अभी मंगल मोदी जी के अष्टम में चल रहे हैं, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर भी कुछ नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शनिदेव की विशेष कृपा है जो श्री मोदी जी को काफी मेहनत और पराक्रम से आगे बढ़ते हुए जनता के हृदय में बैठाने की क्षमता रखती है। आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन कल जब बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र का होगा प्रवेश तो क्या मिलेगा फल, राहु किस तरह से आपके जीवन में मचाएगा उथल पुथल, एस्ट्रो राजनीति में कल चर्चा करेंगे नीतीश कुमार जी की। ये सारी जानकारियां कल ठीक सुबह 7 बजे एस्ट्रो न्यूज में। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।